हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑबिटरीज 2022। फ्रेंड, इस वीडियो में हम करेंगे चर्चित निधन के बारे में। जो जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, फेमस पर्सन्स होते हैं, उनके आपसे ऑबिटरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बन जाते हैं। अगर मान लीजिए उनसे रिलेटेड कोई अवार्ड्स है, या वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो इस पर आज की हमारी ये वीडियो रहेगी। तो अगर फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्रिकेट वर्ल्ड ग्रेट स्पिनर शेन वॉन हैज डाइड एट द एज ऑफ 52। ही वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री। भाई, क्रिकेट जगत के महान स्पिनर शेन वॉन, इनका 52 एज की आयु में निधन हो गया था। वह किस देश से संबंधित थे? तो अब देखिए, यहाँ पे उनकी कंट्री आप लोगों से पूछी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, शेन वॉन का संबंध किस फील्ड से है ये भी पूछ सकते थे, तो इनका फील्ड किससे है? क्रिकेट से। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन 6 February 2022 फेमस सिंगर लता मंगेशकर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। इन विच ईयर शी वॉज अवार्डेड द भारत रत्न। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इनके नाम से रिलेटेड अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया कि अभी फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, इन्हें किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इज 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तोशिके काइफू हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। तो कौन से देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं तोशिके काइफू, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जापान। तो ये जापान देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। द फर्स्ट ब्लैक मैन टू विन द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94। वॉट इज़ हिज नेम? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ऑस्कर को जीतने वाले ये पहले ब्लैक मैन थे, और 94 एज आयु में इनका निधन हुआ। इनका हमें नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सिडनी पोइटियर, जो है वो इनका नाम है, और ये पहले ब्लैक मैन थे जिन्हें ऑस्कर मिला था बेस्ट एक्टर कैटेगरी में। रिसेंटली सोशल वर्कर सिंधु ताई सपकल हैज़ पास्ड अवे, वाई वॉट नेम वॉज शी नोन? तो हाल ही में देखिए, सोशल वर्कर सिंधु ताई सपकल, इनका निधन हुआ, ये बताना है कि उन्हें किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा मदर ऑफ ऑर्फन्स, यानी उन्हें अनाथों की माँ के नाम से जाना जाता था। काफ़ी सारे बच्चों को एक तरीके से आपके लिए उनके आजीविका के लिए बहुत उन्होंने वर्क किया है, सोशल वर्क किया है, इसलिए इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता था। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भीम बहादुर गुरुंग हैज़ पास्ड अवे? तो ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। तो भीम बहादुर गुरुंग ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम हैज़ पास्ड अवे, ही इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? तो फेमस फुटबॉलर थे मिगुएल वैन डैम, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। द क्रिएटर ऑफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसे हम शॉर्ट में GIF कहते हैं, तो GIF के जो क्रिएटर थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। वॉट इज़ हिज नेम? बात करते हैं इनके नाम की, तो इनका नाम है स्टीफन विलहाइट, जो कि GIF फॉर्मेट जो है इसके क्रिएटर थे, और इनका हाल ही में अभी निधन हुआ। द 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अवे, वॉट इज़ हिज नेम? तो भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश का भी हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो बात करते हैं इनका नाम की, तो रमेश चंद्र लाहोटी जो है इनका नेम है, और ये भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे भारत के, तो 35th। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेजिडेंट शहाबुद्दीन अहमद हैज़ पास्ड अवे? राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद जी का अभी निधन हुआ।
द पेशेंट हु गॉट द फर्स्ट पिग हार्ट ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड हैज डाइड एट द एज ऑफ 57 व्हाट वाज हिज नेम। तो देखिए, दुनिया में पहला जो पिग का हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया गया था किसी ह्यूमन के अंदर, और उन जो वो पर्सन थे, जो वो पेशेंट थे, उनका 57 एज में निधन हुआ, उनका नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा डेविड बेनेट। ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उनका नाम बताइए जिनमें पहले पर्सन वो कौन है जिनमें पिक का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उनका नेम है डेविड बेनेट। द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री इब्राहिम बाबकर कीता हिज पास्ट अवे। राइट आंसर इज माली। तो ये माली देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, मेडलिन एल्ब्राइट हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे अमेरिका। तो मेडलिन एल्ब्राइट का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री थी? तो राइट आंसर है अमेरिका। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सोमिले बोब माइगा पास्ड अवे। तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स माली। नेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉमर यूजीन न्यूमैन पार्कर हु कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स हैज़ पास्ड अवे। ही वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? राइट आंसर इज अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इन्होंने फिजिक्स के फील्ड में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और इनका नाम ध्यान रखेंगे यूजीन न्यूमैन पार्कर, ये अमेरिका देश से संबंधित है। विच स्टेट्स फॉर्मर गवर्नर कुमुदबेन मनी शंकर जोशी हैज़ पास्ड अवे। आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर जो रही हैं कुमुदबेन मनी शंकर जोशी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। वेटरन रेजर रमन हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो रेजर रमन का भी निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर हो जाएगा रेसलिंग से इनका संबंध था। अगला है, रुपिया बांदा द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे। राइट आंसर इज जाम्बिया। तो फ्रेंड्स, ये जाम्बिया देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनका नाम क्या है? रुपिया बांदा, और इनका भी निधन हो गया है। विच कंट्रीज वेटरन पॉलिटिशियन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड प्रेसिडेंट रफीक तरार हैज पास्ड अवे। राइट आंसर इज पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान देश के वेटरन पॉलिटिशियन और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और प्रेसिडेंट रफीक तरकार, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। फॉर्मर क्रिकेटर रॉडनी विलियम मार्श हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड, आप लोगों से ये भी पूछ सकते थे, देखिए, कि जो रॉडनी विलियम मार्श है, इनका निधन हुआ, इनका संबंध कौन से फील्ड से है? तो फील्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर इज क्रिकेट। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर जिनका नेम है एलन बॉलब्रिज लेट जूनियर हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री? राइट आंसर इज अमेरिका। जनरल एस एफ रॉड्रिक्स हैज़ पास्ड अवे। ही सर्व्ड एज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फॉर हाउ लॉन्ग? तो ये कब से कब तक भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया? राइट आंसर इज 1990, यानी 1990 से लेके 1993 तक जो है ये भारतीय सेना के प्रमुख के पद पर कार्य करा इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर चौरस्की हैज़ पास्ड अवे। Who was he? तो जयशंकर चौकसी का भी हाल में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो राइट आंसर इज फिल्म क्रिटिक, यानी फिल्म समीक्षक थे जयशंकर प्रकाश चौकसी। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज ग्रेट स्पिन बाउलर सनी रमदीन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। तो ये कौन सी कंट्री के महान स्पिन बॉलर थे? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन है, हिमांता विश्वाल हैज़ पास्ड अवे। हु वॉज ही? द राइट आंसर इज फर्स्ट ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। तो इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखें।
अगला है के पी ए सी ललिता हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 74, हु वॉज ही, वह कौन थी, हु वॉज शी करिएगा क्योंकि ये फीमेल है, वह कौन थी, तो वह मलयालम फिल्म एक्ट्रेस थी, उनका नाम है के पी ए सी ललिता। द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, मेकापति गौतम रेड्डी हैज़ पास्ड अवे, तो ये किस राज्य के उद्योग मंत्री थे जिनका निधन हो गया, राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है शकुंतला चौधरी हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज शी, तो फ्रेंड जो शकुंतला चौधरी थी ये फेमस फ्रीडम फाइटर और सोशल एक्टिविस्ट थी, तो इसलिए राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रविश तिवारी हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही, तो रविश तिवारी का भी निधन हो गया, वह कौन थे, राइट आंसर इज सीनियर जर्नलिस्ट। सुरजीत सेन गुप्त हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही, तो फ्रेंड सुरजीत सेन गुप्त का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है और वे थे फॉर्मर फुटबॉलर, तो इनका संबंध किस गेम से है, फुटबॉल से। नेक्स्ट है चन्नवीरा कन्वी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93, हु वॉज शी, चन्नवीरा कन्वी का भी निधन हुआ, वह कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा रेपुटेड पोइट्स ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो कन्नड़ भाषा के बहुत प्रतिष्ठित कवि थे और इनका निधन हुआ रिसेंटली। गीता श्री सांधिया मुखोपाध्याय हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90, हु वॉज शी, राइट आंसर देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ग्रेट बंगाली सिंगर। तो गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय, उनका 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ और वे बहुत महान जो है वो बंगाली गायिका थी। वेटरन सिंगर एंड कंपोजर बप्पी लहरी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69, व्हाट वाज हिज रियल नेम, तो फ्रेंड्स बात करते हैं बप्पी लहरी जी की, तो इनका जो रियल नेम है अगर हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पे आलोकेश लहरी, जो है वो इनका रियल नेम है। इन विच ईयर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो राहुल बजाज हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज ऑनर्ड विथ पद्म भूषण, इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। देखिए हमें यहाँ बताना है कि इन्हें किस वर्ष में भारत के जो तीसरा हाईएस्ट सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, 2001 में। द को डिस्कवर ऑफ HIV एंड नोबेल लिटरेट ल्यूक मॉन्टिग्नर हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री, आंसर इज फ्रांस। तो फ्रेंड्स वो फ्रांस देश के जो साइंटिस्ट हैं, फ्रांस देश की साइंटिस्ट थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। भीम ऑफ महाभारत एक्टर प्रवीण कुमार सोबती हैज़ पास्ड अवे, व्हेन डिड ही विन द गोल्ड मेडल इन द एशिया गेम्स, तो देखिए स्पोर्ट्स से भी इनका संबंध रहा है, तो इन्हें किस वर्ष में इन्होंने जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता, तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 और 1970 में। रिलीजियस प्रीचर इब्राहिम सुतार हैज़ पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, तो फ्रेंड्स इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर राजा मोहन हु लेड द फर्स्ट एस्ट्रॉयड डिस्कवरीज इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फॉर्मर एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर ऑफ विच इंस्टीट्यूट, तो फ्रेंड वो किस संस्थान के पूर्व एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर थे, आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर। नेक्स्ट है क्रिस्टियोस सार्जिताकिस हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92, हु वॉज ही, आंसर इज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, तो फ्रेंड डायरेक्टली कंट्री भी पूछ सकते थे देखिए, और इनका संबंध पॉलिटिशियन रहे हैं ये, इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त जंग रेड्डी हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज शी, हु वॉज ही, तो चंद्र पतला जंग रेड्डी हैं ये वेटरन लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, मतलब वेटरन लीडर थे और इनका निधन हो गया। रमेश देव हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज शी, आंसर इज वेटरन एक्टर,
तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए हु वॉज ही, तो वो वेटरन एक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ दयाल हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 51, हु वॉज ही। तो 51 साल की उम्र में अमिताभ दयाल का निधन हो गया, वह कौन थे? राइट आंसर इज एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर। रुपिंदर सिंह सूरी हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज शी? द आंसर इज सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रुपिंदर सिंह सूरी थे, ये सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। अगला है, इन विच ईयर इंडियन सोशियो स्पिरिचुअल लीडर ऑफ सिख कम्युनिटी इकबाल सिंह किंगरा हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्डेड। राइट आंसर हो जाएगा 2022। अगला है, अनिल अवाचत हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? द राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, एमिनेंट मराठी राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट। तो ये प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। चरणजीत सिंह हैज पास्ड अवे इन जनवरी 2022, हु वॉज ही? द आंसर इज फॉर्मर कैप्टन ऑफ हॉकी वुमेन टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कथकली डांसर ऑफ फ्रांस साल्विनी हैज़ पास्ड अवे, इन विच ईयर शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष भौमिक हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? फ्रेंड मैं आपको एक बार इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए जो फ्रांस की कथकली फेमस कथकली डांसर है मिलेना साल्वी, इनको पद्मश्री मिला था 2019 में। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र नागास्वामी जो कि फेमस इंडियन हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट रहे तमिलनाडु से, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2018 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सुभाष भौमिक, तो ये कौन है? ये फॉर्मर फुटबॉलर हैं भारत के। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन सेंटेनो डे ला फ्यूंते गार्सिया हैज डाइड एट द एज ऑफ 112, ही वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री? इनका संबंध कौन से देश से है? तो स्पेन से। हरिपाल सिंह अहुबालिया हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? द फेमस प्रोफेशनल माउंटेनियर हैं हरिपाल सिंह अहुबालिया, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। सओली मित्र हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज शी? आंसर इज फेमस बंगाली थिएटर पर्सनैलिटी सओली मित्र, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सेफ साइलेंट वैली कैंपेनर प्रोफेसर एम के प्रसाद हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो देखिए साइलेंट वैली बचाओ के जो कैंपेनर है या जो प्रचारक है, उन्होंने प्रोफेसर एम के प्रसाद हैं, उनका निधन हुआ। वे कौन है? वे रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट या प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। नारायण देवनाथ द फेमस बंगाली कॉमिक्स आर्टिस्ट राइटर एंड इलस्ट्रेटर हैज़ पास्ड अवे, इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री फ्रेंड्स ये इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो 2021 में इन्हें पद्मश्री मिला है। अगला क्वेश्चन है, नोन एज एट दी बॉयस ऑफ पुअर उड़ीसा सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवार्डी शांति देवी हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज नोन बाई वॉट अदर नेम? तो इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज हैज़ डाइड ऑन 16 जनवरी 2022 एट द एज ऑफ 83, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो फ्रेंड ये आपको ज़रूर पता होगा इनका संबंध कौन से फील्ड से है, ग्रेट कथक डांसर। तो पंडित बिरजू महाराज जी ही ग्रेट कथक डांसर थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। विच कंट्रीज ओलंपिक एथलीट्स डियोन लेंडोर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 29? द राइट आंसर इज अमेरिका। फेमस कन्नड़ राइटर चंद्रशेखर पाटिल हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज नोन बाय वॉट अदर नेम? तो इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें चंपा के नाम से जाना जाता था, और इनका नाम क्या है? चंद्रशेखर पाटिल।
द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट डेविड ससोली हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? द राइट आंसर इज इटली. विच कंट्रीज ऑस्कर एमी एंड ग्रैमी विनर एंड सिंगर मैरिलियन बर्गमैन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये कौन से देश की, कौन से, यहाँ पे हमें बताना है कि हाँ कि कौन से देश की हैं ये, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाउंडर ऑफ शिलोंग चैम्बर क्योर एंड रिनाउंड इंडियन म्यूजिक प्रोग्राम पियानिस्ट नील नोंगरिंक हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन विच ईयर? तो इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 2015 में. नेक्स्ट है, तीन बार के ओलंपिक ट्रायल ट्रिपल जंप गोल्ड मेडलिस्ट जिनका नेम क्या है, डेनिलोविक सानेव, और ये इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इनकी कंट्री कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया. एच एस शर्मा हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 100, हु इज ही? द राइट आंसर इज वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी. नेक्स्ट है, रिचर्ड लीकी हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो रिचर्ड लीकी का भी हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? वह वर्ल्ड फेमस केनिया के पॉलिटिशियन थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है. नेक्स्ट है, विजय गलानी हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो फ्रेंड्स, विजय गलानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर थे, यानी बॉलीवुड फिल्म निर्माता थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट ऑबिटरीज जो कि फेमस पर्सन्स के बारे में एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, और यहाँ से देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस फॉर्म होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.